ऊपर केसरिया, नीचे सफेद और सबसे नीचे हरा रंग, बीच में अशोक चक्र। यही रंगीन तिरंगा हमारे देश की पहचान है, यही हमारी आन बान और शान है। इसके कारण ही हमें दुनिया में पहचान मिलती है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपकी पहचान में तिरंगा और राष्ट्रगान का बहुत योगदान है। लेकिन जिस देश के प्रतीक से हमें पहचान मिलती है, कोई उसका ही अपमान करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और इनका अपमान करने वाला इंसान देश पर एक दाग है, दाग है, दाग है। आपको पता होगा, बीते वर्ष नवंबर में देश के सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश दिया गया था कि देश भर के सिनेमाघरों में कोई फिल्म चलाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हाल ही में सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा भी होना होगा। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। इस देश में देशभक्तों के साथ साथ कुछ ऐसे भी इक्का दुक्का लोग हैं जिन्हें देश के सम्मान और देश के गौरव का इल्म ही नहीं है। नतीजतन शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में भी दो युवकों को देखा गया जो कश्मीर घाटी के एक सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनके पास 2 घंटे का वक्त था, 52 सेकंड का नहीं। उनके पास 52 सेकंड नहीं है कि वो देश के उस भाग्य विधाता का सम्मान कर सकें जिसके कारण वो आज कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। खैर, दोनों युवकों को राष्ट्रगान अपमान के आरोप में श्रीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह हिंदुस्तान की हकीकत है। अगर कोई यहाँ देश के खिलाफ और देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे सजा जरूर मिलती है। सजा की मियाद को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सजा तो मिलती ही है। और यहाँ तो तिरंगा स्वरूप राष्ट्रगान की बात है जो हर हिंदुस्तानी की आत्मा में है और हर हिंदुस्तानी की रगों में है।